दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसने सिर्फ एक सिग्नेचर किए और वो 19 अरब डॉलर का मालिक बन गया। 19 अरब डॉलर कितने होते हैं ये हम आगे जाके बताएंगे। और वही बंदा इस दुनिया का पहला आदमी बना जो के सिर्फ एक सिग्नेचर करने पर दुनिया के अरबपतियों में शामिल हो गया। मेरे साथ रहिएगा, मैं हूँ मुसाविर नाम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे इंसान की कि जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी है। अगर हम उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, सबसे पहले हम उसके नाम के बारे में बात करते हैं। इस शख्सियत का नाम मिस्टर जैन कॉम है और बाई बर्थ ये यहूदी हैं और यूक्रेन में पैदा हुए। और यूक्रेन में इनकी कंडीशन या इनकी हालत, ये इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आप गुरबत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि इनके घर में बिजली और गैस तक नहीं होती थी। यूक्रेन जो कि ठंडा मुल्क है तो गर्मियां तो आराम से गुजर जाती थी, लेकिन जब सर्दियों का मौसम होता था तो इनको अजाब पड़ जाता था। और सर्दी में रहने के लिए, स्पेशली सर्दियों में रात गुजारने के लिए, ये अपने पड़ोस के फार्म हाउस में भेड़ बकरियों का जो शेड होता है या बाड़ा कह लें उसको, उसमें भेड़ बकरियों और भेड़ बकरियों का चारा, जिसे हम तूड़ी कहते हैं अपनी जबान में, उस शेड में ये रात गुजारने पर मजबूर होते थे, क्योंकि भेड़ बकरियों और जो तूड़ी या चारा होता है उसमें थोड़ी सी गर्मी होती है और जहाँ वो रखा जाता है तो वो कमरा आमतौर पर गर्म होता है। तो इनकी गुर्बत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि इनको रात गुजारने के लिए उस बाड़े में पूरी फैमिली को गुजारना पड़ता था। और उसके बाद आता है इनकी ज़िंदगी का उससे भी ज़्यादा मुश्किल टाइम, जो कि 1992 में था। 1992 में जब यूक्रेन की गवर्नमेंट ने यहूदियों के ऊपर सख्ती करना शुरू की और यहूदियों के ऊपर अपनी ज़मीन को तंग करना शुरू किया, तो इसकी वालदा ने एक फैसला किया। और फैसले का मतलब कि उन्होंने एज ए रिफ्यूजी अमेरिका जाने का फैसला किया, जिसमें उनके वालिद की रजामंदी शामिल नहीं थी, लिहाजा वो अपनी वालदा के साथ 1992 में एज ए रिफ्यूजी अमेरिका आ गए। अब वो अपने वालिद को छोड़कर फोर्निया में आने के बाद ना इनके पास रहने को घर था, ना खाने को रोटी थी, ना कमाने को काम था, ना ही जेब में पैसे थे। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपना गुजारा करना शुरू किया। और वो किस तरह, जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ लंगर खाने होते हैं, इसी तरह अमेरिका की गवर्नमेंट की एक चैरिटी सिस्टम है, इसे फूड स्टैम्प कहते हैं। फूड स्टैम्प से मुराद वो मुख्तलिफ वाउचर्स होते हैं जो कि उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि गुरबत से नीचे होते हैं और अपने सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो उन फूड स्टैम्प्स के बदले में, फूड स्टैम्प को सुपरमार्केट्स में जाकर उनके बदले में खाने पीने की चीज़ें लेते हैं और अपना गुजारा करते हैं। और ये सिलसिला उनका काफ़ी सालों तक जारी रहा। अब इस दौरान जब इन्होंने देखा कि फूड स्टैम्प पे गुजारा नहीं हो रहा और साथ में महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और ये साथ में इन्होंने स्टडी करना शुरू कर दी थी, उस टाइम भी इनकी उम्र तकरीबन 15-16 साल थी, तो हुआ ये कि इन्होंने फिर एक सुपर स्टोर में मुलाजमत इनको मिली एज ए स्वीपर। तो उन्होंने एज ए स्वीपर वो जॉब पार्ट टाइम शुरू कर दी अपनी स्टडी के साथ ही। और इनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक जुनून था और इसी वजह से इन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री हासिल की, जो कि उस दौर में लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी थी और लेटेस्ट तरीन डिग्री कहलाती थी। तो साथ साथ उनकी अपनी जॉब चलती रही और ज़िंदगी का पहिया चलता रहा। अब किस्मत का करना ऐसा हुआ कि ये 1990s की बात है, उस दौर में याहू का बड़ा बोलबाला था और इन्होंने अपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब डिग्री कंप्लीट की तो याहू में एज ए इंटर्नी ज्वाइन किया। इंटर्निंग के साथ जब इनकी कारकर्दगी अच्छी हुई तो इनको एज ए एम्प्लॉई जो है याहू में अपॉइंट कर लिया। अब याहू में अपॉइंट करने के बाद इन्होंने 9 से 10 साल, अप्रोक्सीमेटली 10 साल याहू में जॉब की। अब जॉब करते रहे, लेकिन उस दौर में
आईफोन जो है वो एक आप कह लें कि बड़ा एक महंगा ब्रांड शुरू हुआ और बड़ा पूरी दुनिया में जो है उसका बड़ा चर्चा हुआ। इन्होंने आईफोन लेने का सोचा लेकिन आईफोन ये ले नहीं सकते थे, मतलब इनकी गुंजाइश नहीं बनती। तो इन्होंने किया ये कि इन्होंने अपने लंच को जो है कट ऑफ किया, मतलब इन्होंने अपना ऑफिस में लंच करना छोड़ दिया और लंच के जो पैसे होते थे उन्होंने जमा करना शुरू किए। कुछ अर्से बाद इन्होंने वो पैसे जमा करके उन्होंने आईफोन ले लिया। अब करते करते ये दौर आ जाता है 2004 के बाद 2005-06 का। तो इस दौर में 2004 में फेसबुक लॉन्च हुई, फेसबुक लॉन्च हुई करते 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 2006-07 की के दौर में फेसबुक ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, नाम बनाया और करते करते दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बन गई। अब ये याहू में मुलाजिम थे, इन्होंने भी फेसबुक में जॉब अप्लाई की लेकिन करना ऐसा हुआ कि फेसबुक ने इनको रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने में रीज़न ये लिखी कि आप हमारे काम के नहीं हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप में पोटेंशियल नहीं है। तो ये डिसार्ड हुए, डिसार्ड होने के बाद इन्होंने दोबारा अपना जो याहू में जॉब कर रहे थे अपना वो कैरी ऑन की। करते करते आईफोन यूज़ करते करते इनके जहन में ख्याल आया, क्योंकि खुद कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, आईटी की फील्ड से ताल्लुक था, इन्होंने देखा कि एक ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें आप मैसेज भी कर सकें, कॉल भी कर सकें, पिक्चर्स भी शेयर कर सकें, ऑडियो वीडियो चीज़ें भी आप शेयर कर सकें, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स भी आप जो है शेयर कर सकें। और अपना सबसे मज़े की चीज़ ये है कि उस ऐप को ना हैक किया जा सके और वो तमाम मोबाइल्स में मतलब कॉम्पिटेंट हो, या ये समझ लें कि जिस तरह ने किया ये कि इन्होंने इनके एक दोस्त थे मिस्टर ब्राइन, इन्होंने उससे अपना ये मशवरा जो है ये अपना ख्याल डिस्कस किया, इन दोनों को ये दिमाग में क्लिक किया। अब करते करते वो इस काम में लग गए। अब इन्होंने 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद इन्होंने ये एप्लीकेशन एक बनाई जिसको आज दुनिया व्हाट्सएप के नाम से जानती है और जिसके यूज़र आज 2 अरब से ज़्यादा हैं, बल्कि आप ये समझ लें कि इस दुनिया में जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल हैं उनमें और एप्लीकेशन कोई इंस्टॉल हो ना हो व्हाट्सएप लाजमी होती है। और व्हाट्सएप की सबसे जो बड़ी चीज़ है इसकी कामयाबी की, जो जिसने इसको बूस्ट दिया वो ये था कि आप दुनिया में कहीं चले जाएं और आपके पास जस्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपको आप दुनिया किसी मुल्क में हैं आपका वही नंबर जो आपके अपने मुल्क का है वो नंबर आपकी पहचान भी है और आप उसी नंबर से पूरी दुनिया से रबते में रह सकते हैं। इस वजह से पूरी दुनिया की जितनी मोबाइल कंपनीज हैं उनकी एक ब्लैकमेलिंग या मोनोपोली का बहुत बड़ा तोड़ हो गया। और कहने का मकसद ये है कि जब ये एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च की फरवरी 2009 में अप्रॉक्सीमेटली, तो करते करते कुछ ही अरसे में इनकी एप्लीकेशन इतनी मशहूर हुई कि पूरी दुनिया में उसका चर्चा होने लगा। और अगर आज आप एंड्रॉयड मोबाइल की बात करें तो व्हाट्सएप के बगैर ना एंड्रॉयड मोबाइल ना आईफोन वो मुकम्मल नहीं होता, मतलब इतनी अशद ज़रूरत है व्हाट्सएप हर इंसान। इनकी एप्लीकेशन की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, या अगर हम इसको अज्यूम करना शुरू करें, इनकी एप्लीकेशन इतनी कामयाब हुई कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो आईटी फर्म्स हैं या दूसरी कंपनीज हैं, वो तमाम की तमाम इनको मुख्तलिफ बड़ी बड़ी ऑफर्स देने लग गई ये एप्लीकेशन परचेज करने के लिए। लेकिन काफ़ी अरसे तक ये मिस्टर जेनकॉम जो है इन्होंने इस चीज़ को मना किया और इस तमाम कंपनीज को मना करते रहे और उनकी बड़ी बड़ी ऑफर्स को ठुकराते रहे। आखिरकार फेसबुक भी इस मार्केट में आई और फेसबुक ने इनको ऑफर दी और वो ऐसी ऑफर थी जिसको ठुकराना तो अलग चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि जब फेसबुक की तरफ से इनको कॉल आई कि हम आपकी एप्लीकेशन परचेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इनको हंसी आई और ये बेख्तियार कहका लगा कर हंसे और उन्होंने कहा कि मैं वो इंसान हूँ जिसे आपने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि आप में हमारी मेयार के मुताबिक पोटेंशियल मौजूद नहीं है। बहरहाल हंसते हंसते उन्होंने फेसबुक की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब फेसबुक की जो ऑफर थी वो $19 अरब की थी। अब आप $19 अरब के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो $19 अरब का मतलब मैं आपको आसान अल्फाज में ये समझा देता हूँ
कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के जो इस टाइम रिजर्व्स हैं इंटरनेशनली वो 19 अरब डॉलर से कम हैं करेंटली। जब नवाज शरीफ हुकूमत ख़त्म हुई थी तो पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व थे वो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 अरब डॉलर थे, और इस इंसान ने अपनी एक छोटी सी एप्लीकेशन को 19 अरब डॉलर में बेचा। और उससे भी मज़े की बात यह है कि इन्होंने फेसबुक की इंतजामिया के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो काफ़ी अरसे तक मुतनाज़ा बड़ी बनी रही और इनकी आपस में बातचीत होती रही। इनकी शर्त ये थी कि ये जो मुआहदा है और ये जो एग्रीमेंट पे साइन होने हैं वो कैलिफोर्निया के फूड स्टैम्प जहाँ से ये लेते थे, जिस ब्रांच से या जिस फूड स्टैम्प मार्केट से ये अपने लिए फूड स्टैम्प लेते थे उसके वेटिंग एरिया में बैठकर मैं ये एग्रीमेंट करूँगा। जिसके ऊपर फेसबुक इंतजामिया को थोड़ा सा एतराज था, लेकिन आखिरकार मजबूर होकर फेसबुक इंतजामिया ने उनकी बात मान ली। और फिर आखिरकार वो दिन आया जब फेसबुक इंतजामिया ने उनसे ये एग्रीमेंट उसी फूड बैंक के वेटिंग एरिया में बैठ कर किया, और इन्होंने जब एक साइन किया तो वो दुनिया के पहले इंसान बन गए जो सिर्फ एक सिग्नेचर करने के बाद 19 अरब डॉलर के मालिक भी बने, और दुनिया के पहले इंसान बने जो एक दिन में दुनिया के 100 अरब पतियों में शामिल भी हो गए। और उनको वो चीज़ भी याद आई, वो बात भी याद आई कि जब वो उनकी वालदा फूड स्टैम्प के लिए भूखे पेट वेटिंग हॉल में बैठे होते थे और खिड़की में बैठी हुई जो खातून फूड स्टैम्प की जो मुलाजम थी वो इनको कोसती थी कि कब तक जो है खैरात के पैसों पे और खैरात की स्टैम्प्स पे पलते रहोगे, कोई काम क्यों नहीं करते, कोई जॉब क्यों नहीं करते। तो जब इन्होंने 19 अरब डॉलर का चेक लिया, चेक ले के सबसे पहले वो उसी खातून के पास गए जो आज भी उसी जगह जॉब कर रही हैं, और उन्होंने वो चेक उस औरत को दिखाया और कहा फाइनली आई गॉट द जॉब। तो कहने का मकसद ये है कि हालात कभी भी बदल सकते हैं, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। जब आपने कामयाब होना होता है तो इस कायनात की तमाम ताकतें आपको कामयाब करने में आपकी मददगार बन जाती हैं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपने ख्याल का, अपने आराम का इजहार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।